गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल क्लास थर्ड, चैप्टर हिंदी आपका सब्जेक्ट, चैप्टर 11, मन के भोले भाले 12। ठीक है, देखिए इसमें ये एक कविता है। छात्रों को बादलों की रचना के बारे में बताया गया है। इसमें बादल कैसे बनते हैं, बादल में क्या होता है, देखिए। झब्बर 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 बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। झब्बर 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 का मतलब होता है बड़े बड़े बाल, झबरे, खूब जैसे रीछ वगैरह देखा है आपने, उसके बाल कितने बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि खूब बड़े बड़े जैसे बाबा के बाल होते हैं ना, ऐसे गुब्बारे और बाल वाले और गुब्बारे से गोल मटोल, गुब्बारा फूल कर कितना गोल हो जाता है, ऐसे गोल मटोल लगे आसमान में झूम झूम कर काले बादल, इधर उधर दौड़ते हुए। ऐसा हवा से बादल क्या होते हैं, हवा से बादल ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूहड़ वाले, कुछ परियों के पंख लगाए। अब बादलों का आकार अगर अपन देखते हैं तो बादलों का तरह तरह का आकार दिखाई देता है। कुछ तो ऐसे ऊंट जैसे दिखते हैं, कुछ हाथी जैसे मोटे भारी भरकम से दिखते हैं, कुछ कैसे नजर आते हैं, तोंद फुलाए हुए बहुत मोटे मोटे से दिखते हैं, कुछ परियों की तरह आकृति दिखती है। तो इसके अलावा बहुत सारी आकृतियां अपने को, कुछ पहाड़ों जैसे दिखते हैं, तो आकृतियां बादलों की कटती हैं, ऐसे कुछ भी बन जाती हैं, है ना, अपन देखते हैं। तो इस प्रकार से बादल दिखाई दे रहे हैं। आपस में टकराते बादल, शोरों से मतवाले बादल, शेरों से मतवाले बादल, आपस में टकराते बादल, शेरों से मतवाले बादल। आप देखिए, आपस में जब बादल, एक बादल दूसरे बादल से आपस में टकराता है तो कितनी जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, बिजली निकलती है उसमें से, देखा होगा आपने। तो इसीलिए कहा है, शेर जब जंगल का जो राजा है, शेर जब वो घुर्राता है तो उसकी आवाज कितनी तेज होती है, तो उस प्रकार से बादलों को बताया है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थेलों से चुपके झर झर कर बरसाते पानी। देखिए, कुछ तो होते हैं तूफानी, कुछ बादल कैसे होते हैं, तूफान लाते हैं, आंधी हवाएं चलने लगती हैं। बादल जब बारिश होने के पहले, कभी कभी देखा है ना आपने, बादलों से हवा चलने लगती है और क्या होते हैं, तूफान आदि आने लगते हैं। कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ शैतानी करते हैं, चमकते हैं मगर बरसते नहीं है, है ना। अपन सोचते हैं पानी बारिश होने वाली है, पता चलता है बारिश तो हुई नहीं, तो शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, और कुछ अपने जो बारिश को थैले के अंदर बताया है कि जो कुछ बादल कैसे होते हैं, अपने थैले में से थोड़ी थोड़ी झर झर कर बारिश करने लगते हैं, पानी फैलाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की भी नहीं सुनते, क्या आप नहीं सुनते हैं बादल, नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनेंगे, वो तो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा बादल बनते हैं, बारिश होती है ना। आपने देखा होगा कि जब तालाबों का, गर्मियों के दिनों में तालाबों का, नदियों का पानी गर्म हो जाता है अपने आप धूप के कारण, और धूप के कारण गर्म होने से क्या होता है, वो भाप बनकर आसमान में चला जाता है, और आसमान में जाकर बादलों का रूप धारण कर लेता है, और उसी से जब वो बादल सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो बारिश के दिनों में वो बादल बरसते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये किसी के भी नहीं सुनते बादल, और आपस में मिलते हैं जब तो गड़गड़ाहट की जोर से आवाज करते हैं, ढोल लगाने से सुनाई देने लगते हैं। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर पड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते,
कभी कभी क्या है, छत पर बादलों, अब हम छत पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा बादल छत से लगे हुए हैं, कभी कभी ऊपर उड़ जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है बादल बहुत ऊंचाई पे उड़ गए हैं, और इतने जिद्दी बनते हैं, मतलब इतने इतने कभी कभी किसी जगह पर इतनी बारिश होती है, इतना पानी बरसता है कि वहां पर बाढ़ आ जाती है, नदियों में, तालाबों में, नदी नालों में इतने भर जाते हैं कि ऊपर से ओवरफ्लो होकर बहने लगते हैं और पूरे शहरों में गांवों में भर जाता है वो पानी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन मन के भोले भाले बादल, फिर भी इतना सब कुछ करते हैं फिर भी हमको बादल बहुत अच्छे लगते हैं और मन के ऐसा लगता है मन के बहुत भोले भाले साफ है बादल, क्यों, क्योंकि अगर बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, अगर बारिश नहीं हुई पूरी साल तो खेती नहीं होगी, है ना, पीने के योग्य पानी नहीं मिलेगा, पानी की कमी आ जाएगी, तो इसीलिए बादल भले कितनी भी शैतानी करें कुछ भी करें पर बादल बहुत जरूरी हैं। तो ये बादलों के बारे में चैप्टर था, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।